सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका मित्र सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें। तो दोस्तों, यहां पर पांच ग्रहों के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो पांच ग्रह हैं रवि, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र का ये कंजक्शन है, का ये योग है जो जातक को फैक्ट जो देगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको चैनल यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब करना चाहिए और प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह की नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे सुपर फास्ट तरीके से। दोस्तों, आइए करते हैं बात इस कंजक्शन पर। शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? दोस्तों, शास्त्र कहता है, राजमंत्री भूर्वित्तौ यंत्रज्ञो दंडनायकः ख्यातो जने यशस्वी च जीवार्केन्दुत्य भार्गवे। दोस्तों, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र का योग जो जातक को या जातिका को राज्य मंत्री पद तक पहुंचा सकता है, या एक राजा के समान जो है यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी और अधिक धन वाला, मान इज्जत वाला, नेम फेम वाला यहाँ पर बनाता है। ऐसे व्यक्तियों को, अधिक धनवान ऐसे लोगों को बना देते हैं ये योग। रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र का ये योग जो है बहुत धनवान बनाने वाला होता है। जिनकी हॉरोस्कोप में ये है, किसी भी घर में है, तो वहाँ पर जो है व्यक्ति को बहुत पावर और शक्तिशाली यहाँ पर बना देता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति इंजीनियर भी होते हैं, सिविल इंजीनियर या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कार्य के जो इंजीनियर होते हैं, तकनीकी व्यक्ति ऐसे लोगों को बना देते हैं ये ग्रह, जिसके कारण जो है उनका नामान सम्मान, नेम फेम और धन दौलत उनके पास में होती है। दोस्तों, इसी योग के कारण, इसी पंच ग्रह योग के कारण, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र के होने के एक साथ कंजक्शन होने के कारण जो है ऐसे योग से व्यक्ति जो है जज के पद पर भी बैठ जाते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति जज भी हो सकते हैं और कलेक्टर, जज या फिर कलेक्टर की पदवी को विभूषित भी करते हैं ऐसे। और यहाँ पर नेम और फेम तो उनको स्वतः ही मिल जाता है और देश में, प्रदेश में अपनी बुद्धिमता, अपने और एक टैलेंट होने के कारण जो है, पद अच्छा पद होने के कारण जो है लोक में विख्यात होते हैं, यानी कि नेम ऐसे लोगों का होता है, फेम ऐसे लोगों के पास प्राप्त होता है और धन प्रचुर मात्रा में ऐसे लोगों के पास में होता है। ऐसे लोग यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये योग जो है रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र का बहुत ही शुभ और शुभ फलदायी देने वाला योग है। अधिक जानकारी के लिए आप उनसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।